नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जो पहाड़ों के अंदर बड़ी खतरनाक जड़ी बूटियाँ होती हैं उनमें से कैसी है और कौन कौन सी बूटी है जिसको आपको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना अगर आप पहाड़ों के अंदर घूमने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ बूटियाँ मिलेंगी जो बड़ी ही खतरनाक होती हैं, उनके स्पर्श मात्र से ही आपको कोई एलर्जी हो सकती है या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो वो बूटियाँ कौन सी है? तो ये बड़ी खतरनाक बूटी होती है। इस बूटी का तो पैसे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बूटी है इसको आपने छूना नहीं है, ना ही इसको टच करना है। पहाड़ों में अगर आप जाते हो तो आपको इन बूटियों का ध्यान रखना है कि जो बूटी आपके पास में टच में ना हो, क्योंकि इस बूटी के टच करते ही आपको एक तो खारिश खुजली स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी कर पैदा कर दे, साथ में और भी बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहाड़ों के अंदर पैदा होने वाली ये खतरनाक बूटी है, देख सकते हैं आप इसका कैसा रंग रूप होता है। ज़रा ध्यान से देखना है आपने कैसा इसका पत्ता है। ये तो थी एक बूटी, और दूसरी बूटी जो है साथ में आप देख सकते हैं, वो भी खतरनाक होती है। ये जो आप बूटी देख रहे हैं, तो दोस्तों ये बूटी जो है बड़ी ख़तरनाक है। इसके भी आपने कभी आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो कृपया इस बूटी को टच न करें और इससे बच कर निकलें। ये थी दूसरी बूटी, और तीसरी बूटी जो है मैं आपको भी बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि एक बूटी ये है। इन बूटियों को अगर आप कहीं भी देखते हैं तो प्लीज़ इन बूटियों के साथ आप टच न करें, बिल्कुल भी इनसे दूर रहें, तभी आप फिट रहेंगे। तो दोस्तों, ना ही इनको हाथ से उखाड़ें। जो लोग इन बूटियों के बारे में नहीं जानते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी बूटियाँ जो होती हैं पहाड़ों के अंदर बड़ी ख़तरनाक होती है। ये बूटी जो होती है आप मैदानी इलाके में भी पा सकते हैं, मगर ये इसका लोगों को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।